फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची व्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि अब रांची में आ चुकी हूँ और एक ही बात को मैं कितनी बार बताऊँ, लेकिन फिर भी इतनी मैं एक्साइटेड हूँ रांची आकर और इतनी खुश हूँ कि मैं बार बार ये बात आप लोगों से बता देती हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने तो आज तक पहले कभी नहीं देखी है और आई थिंक आपने भी पहले कभी नहीं देखी होगी। और हम लोग हंस भी रहे थे और ये ढूंढा है इस चीज़ को ट्विंकल ने, और उसने मुझे बताया था कि मम्मी देखिए ये चीज़, आप इस पे वीडियो बनाइए और लोगों को अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि भाई ये सच में यूनिक चीज़ है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। और आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चीज़ पहले देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो भी कमेंट्स कीजिएगा और नहीं देखी तो भी कमेंट्स कीजिएगा, और कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही थी चाउमीन और ये सुबह की क्लिप है। और आप सोच रहे होंगे कि अरे इसमें क्या अनोखी बात हो सकती है, चाउमीन तो हर घर में बनती है। तो अनोखी बात इस चाउमीन में नहीं है, इसके आगे जो क्लिप है उसमें है। और बिल्कुल ही साधारण तरीके से मैंने सिर्फ प्याज टमाटर डाल के ये चाउमीन बनाई थी, और बच्चों को इसी तरह से पसंद आती है हल्के से मसाले डालकर। और मूंगफली फ्राई करके मैं डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बच्चे को भी पसंद आता है, बच्चों को। तो आप में से कमेंट्स करके बताइए किन किन को चाउमीन में मूँगफली पसंद है डालना। और यहाँ पर सॉस के साथ मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। आज स्कूल की थी छुट्टी, तो इसीलिए बच्चे एंजॉय कर रहे थे घर पे ही आज ब्रेकफास्ट। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये अनोखी बेडशीट। आपने पता नहीं पहले देखी होगी कि या नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। और ये देखिए, इस पे बड़ी बड़ी छिपकलियाँ बनी हुई है, छोटी बड़ी हर तरह की छिपकली इस पे बनी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि कौन से ऐसे महान लोग होंगे जिन्होंने ये बेडशीट तैयार की, और इसे ख़रीदने वाले तो और भी ज़्यादा महान हैं जो इस तरह की बेडशीट को ख़रीद कर और उस पर फिर सोने की भी हिम्मत करते हैं। भाई, मुझे तो अगर पिक्चर भी नज़र आ जाए कहीं छिपकली की तो मुझे अजीब फीलिंग होती है। और यहाँ पर तो पूरी की पूरी छिपकलियाँ पूरे बेड पे बैठी हुई हैं, पता नहीं कैसे सोते होंगे। मेरे पड़ोसी हैं और अगर इन ये देख रहे होंगे तो सॉरी, लेकिन मुझे जो लगा भाई मैंने वो बोल दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और कट करके मैंने रख लिया है लौकी को। और इसमें मैं फ़ौरन में डाल रही हूँ पंचफ़ोरन, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें 5 तरह के सीड्स होते हैं, सरसों, जीरा, जमाइन और सौंफ, मेथी। ये 5 तरह के सीड्स होते हैं इसमें, इसे हम लोग पंचफोरन बोलते हैं। और बैंगन की सब्ज़ी में और लौकी की सब्ज़ी में इसे हम लोग डालते ही हैं, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और इसमें मैंने कोई से भी मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ हल्दी और हल्का सा नमक डाला है। और हम लोग ज़्यादातर इसी तरह से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही मसालेदार नहीं होती, बिल्कुल साधारण सब्ज़ी होती है, लेकिन टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इस तरह से लौकी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और जो तेल मसाले ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। और इसे मैं कुकर में डालकर सीटी लगा देती हूँ। और यहाँ हम लोग गए थे बाहर, और बस यहाँ तो रांची में तो कब बारिश हो जाए उसका कोई पता नहीं चलता, कभी धूप कभी छाया, प्रभु की माया। तो बस यहाँ पे हो रही थी बारिश, और हम लोग जब घर से निकले थे तो बिल्कुल भी बारिश का अंदेशा नहीं था कि बारिश हो जाएगी, और घर से निकलते ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ हमने एक पुलिया थी, उस पुलिया के नीचे हम लोग रुक गए थे,
और भी बहुत सारे लोग रुक गए थे, गाड़ी वाले और बाइक वाले सभी रुके हुए थे यहाँ पे, और बारिश को रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश रुके और सब चलें। और लगभग तो आधे हम लोग भींग ही चुके थे क्योंकि जो बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई थी रास्ते में ही, और लगभग तो रोज़ ही यहाँ बारिश हो रही है और इसी वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा और सुहाना हो रखा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है कि एकदम से चैनल डाउन हो गया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।